जारी है। अभी तक जिले में डेंगू से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 213 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में डेंगू से संक्रमित कुछ लोगों की मौतों की भी बात सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से डेंगू बेलगाम हो रहा है, अब उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है और अच्छी खासी सर्दी हो रही है, लेकिन जो डेंगू के आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी अगर जनपद की बात करें तो 213 मामले जनपद में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ अभी डेंगू के मामले आ रहे हैं। तो हालांकि और ज्यादा आवश्यकता है कार्रवाई करने की और देख रेख करने की, चाहे चेकअप करने की और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की, अभी बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल, जिस तरह से डेंगू पैर पसार रहा है, प्रशासन दो अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहा है। एक डेंगू के लिए छिड़काव किया जाए सड़कों पर, जहां गंदगी वहां चूना डाला जाए, और एक जो लोग बीमार हो चुके हैं उन्हें अस्पताल में सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो अस्पतालों में किस प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं डेंगू को लेकर के? देखिए, अस्पताल में अलग से डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं और जो लोग यहाँ पर मुख्यालय पहुँचते हैं तो उनका बेहतर इलाज करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले डेंगू के आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें बहाल करने की आवश्यकता है कि वहाँ पर ज्यादा अभियान चलाया जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए, डेंगू से बचाव की जो रोकथाम है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा की जाए। धर्मेंद्र, क्या प्रशासन की तरफ कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया या जिनको वायरल फीवर बहुत ज्यादा है उसके लिए तुरंत मदद उनको मिल सके? देखिए, कोई हेल्पलाइन नंबर तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से बातचीत हुई है। उनका यही कहना है कि जो टीम है, कई टीम लगाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के सैंपल भी ले रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हालांकि अब सर्दी का मौसम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है डेंगू का आतंक धीरे धीरे कम भी होगा, लेकिन उनकी तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कई टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई गई है जो जाकर वहाँ पर मौके पर सैंपल लोगों की ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू के बेलगाम होते मामले